हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एक सिंपल हाउसन किस प्रकार तैयार करेंगे पेंट में। आज हम बताएंगे एक बीच हाउस तैयार करना। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हम एक बीच हाउस कैसे बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स भी जरूर बताइए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये इमेज बनाने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ से ले लेंगे ब्रश और फिर लेंगे हम यहाँ से कलर और हम ब्रश से कुछ यूं करके हम पानी की शेप बनाएंगे कि पानी की जो लहरें होती है वो हम लहरें तैयार कर लेंगे। ओके, इसमें हम कलर फिल कर दें। इन लहरों को थोड़ा सा ओवर अट्रैक्टिव दिखाना है हमने, तो हम थोड़ा सा कलर लाइट यूज करेंगे। ओके, और ब्रश का साइज हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे हम इस हिसाब से यूँ लहर और बना देंगे पानी के ऊपर। और भी बनाना है, और अट्रैक्टिव लहर बनानी है तो और एक दो कलर हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, और फिर से हम यहाँ पे एक लहर और तैयार कर देंगे क्योंकि ब्रश तो हमारे पास है ही। हो गई पानी पे लहरें। अब बनाना है हमने एक टापू। तो टापू बनाने के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं और फिर से वही फ्रेंड्स आप देखोगे मैं यहाँ भी फिर से कर्व लाइन यूज कर रहा हूँ क्योंकि कर्व लाइन का काम हमारा बहुत ज्यादा होता है, हम बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं कर्व लाइन। मैंने यहाँ पे कर्व लाइन बनाई और यूं थोड़ा सा उठा दूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे ये टापू बन जाएगा। फिर से कर्व लाइन मैं यूज करूँगा, इस बार थोड़ा सा अलग कलर ले लेता हूँ, थोड़ा सा लाइट ग्रीन ले लेता हूँ मैं और फिर से यहाँ पे डाल दूंगा। तो ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा नीचे टिका दिया, उसको कलर से हम हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दो टापू हो गए हमारे पास, एक टापू हमारा दूर है, इसमें कलर डाल लें, पहले वाले में कलर डाल लें और दूसरे वाले में कलर डाल लें। ये हमारा दूर हो गया टापू, ये नज़दीक हो गया। इस पे क्या है, दूर हमारा एक हमने यहाँ पे हट बना देनी है। हट बनाने के लिए आप जो टूल यूज़ करना चाहें जो आसान लगे, आप लाइन भी ले सकते हैं, कर लाइन भी ले सकते हैं, मेरे को कर लाइन ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं यहाँ पे कर लाइन ही यूज करूँगा, यहाँ पे मैं कर लाइन बना लेता हूँ, ले लो। मेरी कर्व लाइन रेडी और मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक रेक्टेंगल। अब मैं यहाँ पे लाइन थोड़ी सी बारीक ले लेता हूँ इस बार में। अब मैंने बनाना है इसका दरवाजा, और बनाना है मैंने इसकी खिड़की। ठीक है, अब मैंने डाल लेना इसमें कलर। कलर मैं यूज करूंगा यहाँ पे सेम ये वाला कलर और यहाँ पे ये वाला कलर। ठीक है, नीचे थोड़ा सा कलर हमारा रह गया, इसको मैं ब्रश से कलर कर दूँ। अंदर मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ ब्लैक कलर। ट्री बनाने समुद्र तट पे ज़्यादातर फ्रेंड्स ट्री हमारे होते हैं कोकोनट ट्रीज। कोकोनट ट्री बनाने के लिए मैं ये वाला कलर यूज करूँगा और कर्व लाइन यूज करूँगा येलो। मैं यहाँ से कर्व लाइन ये बनाई मैंने, इसको मैं थोड़ा सा यूँ झुका दूंगा क्योंकि कोकोनट ट्री जितने होते हैं ज़्यादातर झुके हुए ही होते हैं। और ये मैंने यहाँ पे बना दिया इसका दूसरा सिरा, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं क्योंकि अब हमने थोड़ा इसको क्या करना है, मॉडिफाई करना है थोड़ा सा। मैं कर्व लाइन ज़्यादा यूज करता हूँ लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे सीधी लाइनें बताऊँगा और हम सीधी सीधी लाइनें भी इसमें ड्रॉ करते हैं। कलर फिल कर लेते हैं इसमें पहले थोड़ा सा, ये ऊपर बाहर निकल जाएगा यहाँ पे एक बार, इसको बंद कर दें। अब हम इसमें कलर फिल करेंगे,
और थोड़ा सा इस बार और लाइट कलर उठाएंगे, थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे ताकि ये सुंदर सा नजर आए। अब हमने बनाने इसके पत्ते, पत्ते बनाने के लिए ग्रीन कलर, कर्व लाइन, इस बार मैं कर्व लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। कई बार होगी मैंने सीधी लाइन से काम करते हुए, और जबकि मेरा तरीका क्या है, कर्व लाइन से बनाने का। एक पत्ता बन गया, या फिर आप सिंपली ऐसे भी बना सकते हैं। कलर कर दें, अब इसमें हम कलर कर देते। वैसे मैंने क्यों लिया था, ये डबल कलर डालने के लिए, ताकि एक तरफ शैडो नजर आए, और फिर बाद में मैंने ये पत्तियां बताई है, तो क्या करते हैं हम शैडो दूसरे कलर से फिर से कलर लाइन से हम बना देंगे तो शैडो बन जाएगी। एग्जांपल हमने यहाँ से यहाँ तक लाइन बनाई और इसको इसके अंदर यूँ छुपा देंगे, ओके शैडो हो गई। ऐसे हम प्रत्येक पत्ती के लिए यहाँ पे शैडो क्रिएट कर लेंगे। अब इसको हम वापस अपना जूम हटा लेते हैं, देखो कितना अच्छा कोकोनट ट्री लग रहा है, लग रहा है ना। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ बैठने के लिए कुछ चेयर वगैरह भी चाहिए, नहीं चाहिए हम अपने चेयर टेबल वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ राउंड टेबल, ये कलर हमने ये ले लिया टेबल का, इसमें हमने फिल कर दिया। इसके पैर बना लेते हैं, सीधी लाइन से बना देंगे, मोटी सी लाइन लेके। ऐसे ही हमको चेयर चाहिए तो चेयर भी हम यूँ बना लेते हैं, चेयर बना लेंगे हम कुछ दूसरे कलर से। ये लो, ये चेयर का नीचे का सिरा हो गया, ये चेयर का ऊपर का सिरा हो गया। ऐसे ही इसको एक बार कॉपी करके रख देते हैं, ताकि फिर पैर बना लेंगे हम। और इधर घुमाने के लिए मैंने आपको बता रखा है, हम यहाँ पे चले जाएंगे रोटेट और इसको हम फ्लिप कर देंगे हॉरिजॉन्टल। तो एक चेयर हमारी इधर हो गई, एक चेयर इधर हो गई, पैर रह गए ना इसके। पैर बनाने के लिए हम फिर से लाइन यूज करेंगे, एक पैर, सभी पैर हो गई चेयर टेबल। यहाँ पे कोई हम फ्लावर पॉट भी रख सकते हैं ना। अब रह गया हमारा स्काई, आसमान। आसमान में हम रंग डाल दें, कैसा कलर डाल दें। आसमान हमारा ये हो गया, ये तो ज़्यादा सेम मिलता हुआ कलर आ गया। क्या कहते हैं वो, बिल्कुल लाइट कलर ले लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट कलर हो जाएगा, वो इसमें मैच नहीं करेगा, अलग से कलर नहीं जाएगा। ओके ठीक है ना, ये हो गया हमारा स्काई। साथ आसमान में थोड़े से क्लाउड्स वगैरह दिखाने, तो क्लाउड्स दिखाने के लिए हम वाइट कलर यूज़ करेंगे, ब्रश यूज कर सकते हैं, ब्रश से नॉर्मली हम ब्रश को सीधा चला लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लाउड जो होते हैं हमारे पास, हम क्लाउड की शेप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे और फिल कर देंगे। एक क्लाउड हो गया हमारा, दूसरा क्लाउड बनाना है, फिर से हम ब्रश ले लें और एक क्लाउड और बना देंगे। अगर दिक्कत आती है इसे कलर फिल करने में ब्रश से, तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, हम जूम करके अपनी इमेज को जूम करके भी उस कलर को फिल कर सकते हैं, है ना। पक्षी बनाने हैं, या फिर अब हमने यहाँ पे कुछ कंकड़ पत्थर यहाँ पे डाल दें, क्योंकि समुद्री इलाका है, कंकड़ पत्थर तो मिलेंगे, है ना। और इनको भी हम फिल कर लेते हैं, हो गया। आराम से ब्रश उठाएंगे, ब्रश का साइज कम कर लेंगे, कलर ग्रीन ले लेंगे,
और यूम इन पे घास हुआ भैया, अलग अलग शेड ले लेते हैं हम घास के लिए, ब्रश का साइज थोड़ा सा और बढ़ा लें आराम से, क्योंकि जहाँ पे इकट्ठा हुआ है कुछ घास तो वहाँ पे भी नहीं है, हो गई हमारी घास भी थी, तो पक्षी बनाना है हमने, पक्षी हमारा उड़ के आ रहा है यहाँ से सीधा हमने ये बना दिया और ये पक्षी बन गया, सन हमारा रह गया क्योंकि सनसेट या सनराइज का हम सीन यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, तो एक सन भी बनाएंगे यहाँ से, ये घेरा ले लेते हैं थोड़ा सा ऊपर बना दे सन को, यहाँ बना लेते हैं ओके, और इसमें हम कलर फिल कर देंगे, हमारा सन तैयार हो गया, ये सन दिन का हो गया, सुबह के में थोड़ा सा ललवासा होता है, तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसमें या तो एयर ब्रश ले लेंगे या फिर इसके अंदर एक सर्कल और बनाएंगे और उससे हम इस कलर में फिल कर देंगे, हो गया हमारा सनराइज या सनसेट ओके। कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, हमें कमेंट्स में बताइए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, धन्यवाद।